टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थर्मल प्रोसेसिंग, जिसमें हम केनिंग के ऊपर आज बात करेंगे, फिश केनिंग टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये फिश प्रिजर्वेशन के अंदर आता है, तो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो आप इसको देखिएगा। स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत इसके सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव के बाद 100+ MCQs लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी केनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे केनिंग की। केनिंग का मतलब होता है, केनिंग मीन्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन परमानेंट हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स। केनिंग का मतलब होता है कि फूड को प्रिजर्व करना। और हम फिश की बात करें, फिश को प्रिजर्व करना किस परमानेंट, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड का मतलब होता है इसको इस तरह से सील करना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ना आ जाए, ठीक है, प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ एयर, तो इसको हम कहते हैं हर्मेटिकली सील्ड। अब हम सील किस में कर सकते हैं, कोई भी मेटल हो, ग्लास हो, थर्मोस्टेबल प्लास्टिक हो, या फिर मल्टीलेट फ्लेक्सिबल पोच हो, थ्रू एजेंसी ऑफ हीट। किसके थ्रू? एजेंसी ऑफ हीट। हीटिंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द परमानेंट सीलिंग इज टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। सबसे पहले जब केनिंग करते हैं, केनिंग में हम इसको हीट अप करते हैं। हीट अप से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद जब हम परमानेंट सीलिंग करते हैं उससे री इन्फेक्शन नहीं होता है, तो इसी वजह से हम इसको हीट भी करते हैं ताकि इसको री इन्फेक्शन ना हो और इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए। आप जब भी आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको आराम से जो फिश हैं, फिश के जो डब्बे हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप देखिए कौन कौन से कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स फॉर कैनड फूड्स। द कंटेनर्स प्ले ए वाइटल रोल इन फूड कैनिंग, इट मस्ट बी। अब जो कंटेनर होते हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैनिंग में। क्यों? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बींग हर्मेटिकली सील्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसको इस तरह से सील किया जाता है ताकि उसके अंदर एयर पसेज ना हो, तो उसे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से। सेकेंड बात है, इम्परमिएबल टू लिक्विड एंड गैसेज इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स। इम्परमिएबल का मतलब होता है नॉट अलाउिंग फ्लूड टू पास देयर, तो या वहाँ पे कोई फ्लूइड, कोई गैस भी, वाटर वेपर भी वहाँ पे पास नहीं होता है। फिर है जी नेक्स्ट, मेंटेन द स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, कमर्शियल स्टेबिलिटी दैट वाज इंड्यूस्ड बाय द थर्मल प्रोसेस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे क्या होते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, अगर हम देखें यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कमर्शियल स्टेबिलिटी, का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द फूड एट नॉर्मल नॉन रिफ्रिजरेटेड कंडीशंस, ठीक है। अब इसमें कभी अलोन भी, कभी कंबाइन भी करते हैं हम केमिकल या कोई फिजिकल प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो है फिजिकल जो है ये प्रोटेक्ट करता है कंटेंट अगेंस्ट डैमेज, जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्टोरेज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिजिकली जो है ये बड़े मायने रखता है। उसके बाद जो है केन मटेरियल्स, वाइड वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड नाउ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ केन्स फॉर मीट पोल्ट्री प्रिजर्वेशन, येट मेटल कंटेनर्स रिमेन द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड पैकिंग फॉर केनिंग फूड। केनिंग की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि बहुत सारे, अगर हम मीट की बात करें, पोल्ट्री की अगर हम बात करें, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो मेटल है, मेटल के कंटेनर जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ओके, अब मेटल जो होंगे किसके होंगे, या तो वो होंगे स्टील के, स्टील के टिन प्लेट, टिन फ्री स्टील या निकल प्लेटेड स्टील होते हैं, कोटेड विद वेरी थिन फिल्म ऑफ टिन आर मेटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेटल फूड। अगेन द अमाउंट ऑफ टिन यूज्ड बीइंग ऑनली अबाउट 1.5% ऑफ द केन वेट एंड शुड नॉट कंटेन मोर देन 1% लेड।
इट इज़ यूज टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग। अब क्या होता है जब हम स्टील जो है हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो टिन की अमाउंट होती है या हम यूज़ करते हैं लेड को यूज़ करते हैं, अब जो हम टिन को यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सिर्फ 1.5% ताकि जो उसका जो वेट है वो बैलेंस रहे, और 1% हम लेड करते हैं ताकि वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाए, ठीक है ना। तो लेड इसलिए हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू प्रिवेंट इंट्रैक्शन बिटवीन मीट प्रोडक्ट्स एंड द मेटल, केन्स आर कोटेड ऑन द इनसाइड विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी मेटल होता है ना, तो जो ये केन्स हैं ये अंदर से कोट किए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से। अब जनरली दो ऑर्गेनिक कोटिंग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पहला जो है एसिड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है सल्फर रेजिस्टेंस। अब जो एसिड रेजिस्टेंस है ये कोटेड केन्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर फ्रूट्स, तो अगर हम फ्रूट्स को हम प्रिजर्व करते हैं तो उस टाइम हम एसिड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं, और हम मीट प्रोडक्ट की बात करें तो हम जनरली इसको हम क्या करते हैं सल्फर रेजिस्टेंस मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्मोनियम है, प्लास्टिक है, ग्लास कंटेनर्स एंड मेटल क्लोजर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, वाइड वराइटी ऑफ कंटेनर्स फॉर कैरिड फूड्स द मेटल वंस आर प्रेफरेबल एज, क्योंकि इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट। दूसरी चीज़ क्या है, इट कैन नॉट ईजली टू बी ब्रोकन। तीसरी चीज़ क्या है, बीन ओपेक सो एनी पॉसिबल बैड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फूड स्टफ्स आर अवॉइडेड। उसके बाद क्या है, बी एबल टू विदस्टैंड स्ट्रेस। तो इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप्स जो हैं अगर हम बात करें, लो एसिड फूड्स होती हैं, एसिड फूड्स होती हैं। लो एसिड में पीएच रेंज जो होता है 5 to 6 होता है, एसिड में 4 to 3.7 होता है। और हाई एसिड फूड की बात करें, हाई एसिड फूड की बात करें तो इसमें आपको 3.7 टू 2.3 आपको मिल जाएगा, ओके। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, कैनिंग ऑपरेशन क्या मतलब होता है, प्रिपरेटरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रिपरेशन प्रोसीजर्स, इसमें हम थावेंग, बूनिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, कोई भी चीज़ भी है हम उसको डायरेक्टली, अब हमने वहाँ मछली पकड़ी उसको हमने डाल दिया केन में, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हम उसको पहले थावेंग का मतलब होता है हम उसको ऐसे टेम्परेचर में या हम रूम टेम्परेचर में उसको हम रखते हैं, उसके बाद बूनिंग होती है, बून को अलग किया जाता है, कटिंग की जाती है, ट्रिमिंग अच्छी अच्छी उसकी पीसें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। पीस के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें ब्लेंचिंग जो हम बोलते हैं पारबोलिंग, इसमें हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी फूड्स ऐसी है जिसको हम हॉट वाटर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 to 5 minutes, इट में एक्सटेंड टू 9 to 11 minutes इन सम टाइम ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ब्लेंचिंग इज सिग्निफिकेंस टू। अब हम इसमें ब्लेंचिंग क्यों करते हैं, हम इसको हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या, क्यों करते हैं, ये एग्जाम में आता रहता है। इनएक्टिवेट्स एंजाइम रिएक्शन, पहली बात ये है, विच मे ओकर ड्यूरिंग प्रिपरेटरी पीरियड्स, एड्स इन क्लीनिंग, एक्सपेल्स इंटरनल गैसेस, एड्स इन फिलिंग कंटेनर बाय श्रिंकेज और सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, एश्योर एडुकेट केन वैक्यूम। उसके बाद है ग्रिंडिंग, ये भी अच्छा रोल अदा करता है। ग्रिंडिंग का मतलब क्या होता है, मीट को कट किया जाता है बहुत सारे साइज के अंदर और शेप के अंदर विद वेरिएबल फैट कंटेंट, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है, दिस पार्टिकल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म ब्लेंड किया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग। फिर है मिक्सिंग विद एडिशन ऑफ सूटेबल इंग्रेडिएंट्स। अब क्या होता है, प्रैक्टिकली जो फैट्स एंड लीन ऑब्टेंड बाय ग्राइंडर्स आर टम्बल्ड इन ए मिक्सर टू गिव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड लीन पार्टिकल्स एंड विद सूटेबल एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स साल्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, एड सोडियम नाइट्रेट्स को, शुगर को या मसाले जो हैं इनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। फिलिंग ऑफ केन्स, अब क्या करते हैं, हम केन को फिल करते हैं, द मिक्स इन देन ट्रांसफर टू ऑटोमेटिक पिस्टन्स टाइप फिल्टर्स एंड पैकेड इन टू प्रिपेयर्ड केन्स ऑन टू फिल लाइन विद रिक्वायर्ड वेट्स। जो द हेड स्पेस जो वॉल्यूम है, हेड स्पेस वॉल्यूम या डेप्थ शुड बी चेकड ड्यू टू इट्स क्रिटिकल फैक्टर इन द एंटेनमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड वैक्यूम क्लोजर। उसके बाद सच प्रोसेस शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर, एग्जॉस्टिंग एंड सीलिंग क्या होता है,
एग्जॉस्टन एंड और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द केन बिफोर इट इज सीलेड इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब क्या होता है जब केन को हम बिल्कुल रेडी करते हैं, सील करते हैं, सील करने से पहले उसकी एग्जॉस्टन होती है, हम उसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एयर को निकाला जाता है। ये क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एक्सपेंशन ऑफ द कंटेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग विच मे फोर्स टू सीम। दूसरा क्या है? टू प्रोड्यूस कॉर्निया कैन एंड सो दैट एनी इंटरनल प्रेशर मे रेडली डिटेक्ट एंड कैन बी रिजेक्टेड। तो टू लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन एंड प्रिवेंट डिस्कोरेशन ऑफ द फूड, टू रिड्यूस केमिकल एक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे इसके आगे हैं, आप बहुत सी चीज़ें हैं। वॉशिंग है, वॉशिंग क्या होता है? जब हम कैन को क्लोज करते हैं, दे पास थ्रू ए डिटर्जेंट स्प्रे वॉशर टू रिमूव ग्रीस एंड अदर मटेरियल्स। उसके बाद वॉशिंग में क्या होता है? वॉशिंग शुड कंसिस्ट ऑफ हॉट वाटर, देन बाई सूटेबल प्री रिंस डिटर्जेंट स्प्रे वॉश फॉलोड बाई ए फ्रेश वार्म वाटर रिंस 66 डिग्री सेल्सियस। फिर है जी थर्मल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग में क्या होता है? केन मस्ट बी प्रोसेस्ड हीट ट्रीटेड इमीजिएटली आफ्टर क्लोजिंग, हर्मेटिक सीलिड। उसके बाद फूड टू बी केयर्ड इन इज थ्रेटनड ऑन वन हैंड बाई बैक्टेरियल स्पॉइलेज। क्या आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से ये तैयार हो गया। फिर आज कूलिंग क्या है? कूलिंग इमीजिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग हो जाती है केन्स को कूल किया जाता है वाटर टू ए टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड थर्मोफिलिक स्पॉइलेज, ताकि थर्मोफिलिक स्पॉइलेज ना हो। पिछले जो लेक्चर किया उसमें मैंने थर्मोफिलिक स्पॉइलेज पढ़ाया था कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो स्पॉइलेज कॉज कर सकता है। तो और कूलिंग में प्रॉब्लम होगी तो समझ लो इसी वजह से वहाँ पे थर्मल स्पॉइलेज हो सकती है। इफ़ द केन्स आर कूल्ड मस्ट बिलो 36 डिग्री सेल्सियस दे मे नॉट ड्राई थ्रोली एंड रस्टिंग विल रिजल्ट। इफ़ द केन्स आर केसड एट टेम्परेचर्स मच ओवर 42 डिग्री सेल्सियस थर्मोफिलिक स्पॉइलेज में होकर। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि किस वजह से ये स्पॉइलेज हो जाते हैं। फिर है कंटेनर वॉशिंग, केन्स जो हैं जस्ट बीन कूल्ड एंड डर्टी एंड ग्रीसी ऑन द आउटसाइड एंड देयर फोर वॉश इट इन बाथ विद डिटर्जेंट एंड देन रिंस इट टू ए फैसिलिटी सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। ठीक है, इसको हम जब केन्स उस टाइम बड़े गंदे होते हैं उसको हम साफ करते हैं। कंटेनर ड्राइंग, उसको हम ड्राई किया जाता है, कूल्ड केन्स। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि इसको हम स्टीम करते हैं 127 टू 130 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन एक और दिया गया है, वो है आउटसाइड लिक्विरिंग। क्या होता है? कमर्शियल लिक्विर आर इनिमल इज ए कलर्ड वर्निश कंटेनिंग वेजिटेबल आर सिंथेटिक रीजंस लिक्विर मे बी अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ द केन टू प्रिवेंट एक्सटर्नल इरोजन। तो बाहर आप देखते हैं कि किसी मछली का जो आप फिश का केन देखोगे वहाँ मछली का बना होगा डायग्राम। ठीक है, या खूब अच्छा कोई तंदुरुस्त आदमी वहाँ पे होगा तो अच्छी तरह से उसको खूब अच्छी तरह से पेंटिंग की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं लेक्यूरिंग। क्या बोलते हैं? लेक्यूरिंग, खूब कलर्ड से वो किया जाता है। ठीक है ना, फिर लेबलिंग होती है। लेबलिंग आप जानते हैं कि लेबलिंग में देखते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन सी फिश है, ब्रांड नेम क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कंट्री कौन सी है, स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ वहाँ पे देखा जाता है हर चीज़। तो अब हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। देखो केमिकल स्पॉइलेज है या दूसरा इशोर्स को हम बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो आगे आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव हैं, मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव अब आपको समझ में आ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिमांड फॉर कैनेड फूड स्काई रॉकेटेड ड्यूरिंग। कब कैनेड फूड जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी? ये था वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो कैनेड फूड की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? वर्ल्ड वार फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फिलिंग मीडियम इन द फिश कैन इज़।
अब प्रिंसिपल फिलिंग मीडियम क्या है? ब्राइन, बी आर आई एन ई, ब्राइन जो है ये इसका प्रिंसिपल फिलिंग मेथड है। फंक्शन ऑफ ब्लेंचिंग इन कैनिंग टू, अभी हमने ब्लेंचिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, इसका काम होता है रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड, इम्प्रूव टेक्सचर, इनएक्टिवेट ऑटोलिटिक एंजाइम। तो ऑल ऑफ दी वो जो है ये ब्लेंचिंग का काम होता है कैनिंग के अंदर, फंक्शन होता है कैनिंग के अंदर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर EAN इज ए 13 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट टू डिजिट स्टैंड फॉर, अब ये 13 नंबर का एक ई एन नंबर होता है, ये इसके जो पहले दो डिजिट होते हैं वो किसको स्टैंड करते हैं, वो स्टैंड करते हैं कंट्री इन विच फूड मैन्युफैक्चर्ड। फिर है जी बॉयल इन बैग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, बॉयल इन बैग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, इसका आंसर क्या आएगा? HDPE। ओके, उसके बाद है फ्लेक्सिबल पोच्स आर मेड फ्रॉम, अब जो फ्लेक्सिबल पोच्स हैं वो किसके बने होते हैं, वो आप देख सकते हैं लेमिनेट्स, हम प्लास्टिक के बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर जी फिश कैन बी कैटेगराइज्ड इन, फिश को कैटेगराइज किस में किया गया है? लोअर लो एसिड फूड, किस में किया गया है? लो एसिड फूड में इसको कैटेगराइज किया गया है। द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया और इट्स स्पोर्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज, उसको हम कहते हैं डी वैल्यू, क्या कहते हैं? डी वैल्यू। डी वैल्यू फॉर बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलिक, डी वैल्यू ऑफ बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलिक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 to 5 minutes। स्पीशीज ऑफ सार्डिन यूज्ड इन कैनिंग इन इंडिया, कौन सी स्पीशीज सार्डिन की हम यूज करते हैं जिनको हम कैन करते हैं इंडिया के अंदर, तो इसका आंसर आएगा सार्डिनिला लॉन्गिसिप्स, सबसे ज्यादा यही है, ठीक है ना। लॉन्गर एक्सपोजर एट लो टेम्परेचर इज जनरली यूज्ड फॉर, लॉन्गर एक्सपोजर एट लो टेम्परेचर इज यूजुअल जनरली यूज्ड फॉर ग्लास कैन पैकेट फूड, ग्लास कैन पैकेट फूड। हाईली डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर कैन स्टोरेज इज, हाईली डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर कैन स्टोरेज इज, ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। फिर है स्टैक बर्निंग प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर, स्टैक बर्निंग ये प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन फॉर किसके लिए, इसका आंसर आएगा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, क्या आंसर आएगा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थिकनेस ऑफ द स्टील प्लेट यूज्ड वेरीज फ्रॉम, थिकनेस ऑफ द स्टील प्लेट यूज्ड वेरीज फ्रॉम, इसका आंसर आएगा 0.19 mm to 0.3 mm। अभी हमने पढ़ा लैक्यूरिंग इज डन, लैक्यूरिंग इज डन, ये वर्ड आप अभी हमने पढ़ाया थोड़ा टाइम पहले, तो ये जो लैक्यूरिंग होती है ये बिफोर द टिन प्लेट इज कट, टिन कोटिंग बाय हॉट डिपिंग प्रोसेस बेस प्लेट कंडक्टेड थ्रू, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जिंक क्लोराइड, क्या आंसर आएगा? जिंक क्लोराइड। सी एनामेल्स कैंस कंटेन्स, सी एनामेल कैंस कंटेन जिंक ऑक्साइड। आइडली ए फिनिश्ड डबल सीम विल हैव डैश डैश फायो मेटल थिकनेस, फिर है जी डी आर डी एंड डी डब्ल्यू आई प्रोसेसेस आर यूज्ड टू मेक, इसका आंसर आएगा
2 पीस केन्स। नंबर वन टाल केन ट्रेड डायमेंशंस एरिया। नंबर वन टाल केन ट्रेड डायमेंशंस एरिया, इसका आंसर आएगा 301 to 409। एट ओजर टूना केन ट्रेड डायमेंशंस आर 307 into 113। द थिकनेस ऑफ इनर लेयर पॉली प्रोपाइलीन इन अ रिटोर्ट पोच इज, इसका क्या आंसर आएगा 70 UM। ब्लेंचिंग इज वन ऑफ द प्री कुकिंग मेथड्स वेयर द फिश या श्रिम्प इज डिप्ड इन बॉइलिंग ब्राइन कंटेनिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 to 8% साल्ट। फिश पैकेट इज राउंड टाल केन्स वैक्यूम शुड बी 10 cm। ए फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट यूजुअली बिलो 100 degrees Celsius इज पास्चुराइजेशन, क्या आएगा पास्चुराइजेशन। द डी वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, द हायर द टेम्परेचर लोअर इज डी वैल्यू, लोअर इज डी वैल्यू इज इसका आंसर है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर जितना लंबा जाएगा इतना आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आपको थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया है स्टार्टिंग में, तो इतना काफ़ी है, बाकी भी आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, ठीक है ना। जिसने भी फॉर्म भरा है वो कम से कम ग्रेजुएट है, तो आई होप कि वो इजली समझ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ समझ ना आए तो आप गूगल कर दीजिए, क्योंकि समझाऊंगा तो मुझे लगता है अगर एक एक पे समझाऊंगा तो ये लेक्चर बनेगा कम से कम 3-3, 4-4 घंटे का, तो मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे 3 घंटे इतना टाइम हम यहाँ वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पे किसी की प्रॉब्लम होगी किसी वर्ड पे वो गूगल कर लेगा, लेकिन जो अपनी उसकी जो कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट में भी कर सकता है। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो वो मुझे बताना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक पेपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं वो पेपर कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो अपने आप को चेक करें कि हम कितने पानी में हैं या कितने बाहर हैं, ठीक है। तो कितना पढ़ा है, तो नेक्स्ट वही हमारा वही मिशन है। तो आप प्लीज़ जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है आपका पेपर पैटर्न के ऊपर, पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वेटेज क्या रहेगा, पूरा CBT के हिसाब से मैंने वो पेपर पूरा डिज़ाइन किया है। तो आप उसको देखिएगा और हम देखते हैं कि हम आप कितना उसमें कर पाओगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द TDT करो टू पास थ्रू वन लॉग साइकिल इज कॉल्ड, इसका आंसर आएगा जेड वैल्यू, क्या आएगा जेड वैल्यू। पार्शली रिक्वायर्ड F value to destroy spoilage organism in cane is 5 to 6, क्या आएगा 5 to 6। उसके बाद है in conduction heating packs the cold spot lies at geometric center of cane, physical damage can also occur due to sudden increase or decrease of pressure in the retort एंड लीड्स टू पेनलिंग, क्या आएगा पेनलिंग इसका आंसर आएगा। समटाइम्स लिक्विड केन्स क्लोज बाई इट्सेल्फ एंड ड्यू टू गैसेस प्रोड्यूस्ड इन साइड द केन बल्ज एंड सच स्पॉइलेज इज कॉल्ड, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा होता है कभी कभी जो केन्स हैं वो लीक कर जाते हैं, तो उसके अंदर जो बहुत सारी गैसेस चली जाती हैं उसकी वजह से जो केन्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो उस स्पॉइलेज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीकर स्पॉइलेज, क्या कहते हैं लीकर स्पॉइलेज, ठीक है। 100 में से ज़्यादा नहीं ना, 40-50 क्वेश्चन ऐसा होगा
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे 100 के 100 होंगे, लेकिन 100 में से 50 50 नहीं तो 30 तो ज़रूर होंगे। इसलिए आप इसको मिस नहीं करना, आप पढ़िए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे इंस्पेक्टर का दे रहे हो, डिप्टी इंस्पेक्टर का दे रहे हो, फॉर्म मैनेजर का दे रहे हो, या ICAR का दे रहे हो, PhD का दे रहे हो, JRF का दे रहे हो, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर आती हैं। अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन इन कैन कूलिंग वाटर्स मिनिमाइज दिस स्पॉइलेज। अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन इन कैन कूलिंग वाटर मिनिमाइज दिस स्पॉइलेज 4 to 7 ppm। सल्फाइड ब्लैकनिंग, आयरन सल्फाइड ब्लैकनिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड। इसका आंसर क्या आएगा? इन कैनेड श्रिम्प यस, इन कैनेड लोबस्टर यस, कैनेड क्रैब यस। तो तीनों तीन है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दी इबो। चांसेस ऑफ ओकरिंग सल्फाइड ब्लैकनिंग इज वेरी हाई इन। किसके अंदर सल्फाइड ब्लैकनिंग के चांस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? एसिडिक मीडियम, अल्कलीन मीडियम, या न्यूट्रल मीडियम, या नन ऑफ दी इबो। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? अल्कलीन मीडियम जो है इसका सही आंसर है। ओके, फिर है जी, कर्ड और एडिशन इज एसोसिएटेड विद। कर्ड एक वर्ड है या एडिशन है, ये किस से एसोसिएट है? ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कैनड सैल्मन। कैनड सैल्मन जो है इसके जो साथ ये वर्ड एसोसिएट है। अब जो कर्ड है, कर्ड फॉर्मेशन ओकर्स ड्यू टू, ये कर्ड फॉर्मेशन ओकर्स ड्यू टू प्रोटीन कोगुलेशन। क्या आएगा? प्रोटीन कोगुलेशन। देखो हम सब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, सब्जेक्टिव में मैंने इसलिए कम पढ़ाया क्योंकि टाइम नहीं है ना आपके पास है ना मेरे पास है। मेरे पास टाइम बहुत है लेकिन एग्ज़ाम सर पे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो मेन मुद्दे हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करें। तो जो भी मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके लिए साथ जो भी उसकी उसके जो भी उसके ऑप्शन होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। फिर है जी, ब्लू डिसकोलोरेशन। ब्लू डिसकोलोरेशन जनरली एसोसिएटेड विद शेलफिश एंड दिस ओकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ब्लू डिसकोलोरेशन, अब ये किसकी वजह से होता है? खासकर ये शेलफिश के अंदर देखा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? ब्लू डिसकोलोरेशन का आंसर क्या आएगा? देखिए जो ब्लू डिस्कलेशन है इसका आंसर आएगा कॉपर सल्फाइड। क्या आएगा? कॉपर सल्फाइड। फिर है जी, ब्लू डिस्कोरेशन जनरली इज इविडेंट व्हेन कॉपर इन मीट इज मोर देन। कितना हो जाता है मीट के अंदर कॉपर जब ब्लू डिस्कोरेशन होती है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 mg/100 g। हॉनी कॉम्बिंग ओकर्स मेनली एसोसिएटेड विद। हॉनी कॉम्बिंग ओकर मेनली एसोसिएटेड विद कैनेड ट्यूना। कैनेड ट्यूना। केमिकल फार्मूला ऑफ स्ट्रुवाइट इज MgNH4PO46H2O2। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रुवाइट क्रिस्टल्स मे बी प्रिवेंटेड बाई द एडिशन ऑफ EDTA। रिटॉर्ट बर्न ओकर्स ड्यू टू, रिटॉर्ट बर्न्स ओकर ड्यू टू एडिक्यूएट फिलिंग मीडियम। एडिक्यूएट फिलिंग मीडियम। टूना स्पीशीज हैविंग मीट विद मसल्स वैल्यू लेस डैश डैश देन आर नॉट सूटेबल फॉर कीनिंग 5.3। टूना स्पीशीज हैविंग मीट विद मसल, ये तो हो गया 5.3।
द ऑनली स्पीशीज ऑफ टूना हैविंग मसल वैल्यू मोर देन 6.3 इज टी एल्बाकोर, टी एल्बाकोर। इन केस ऑफ सैडीन केनिंग नोबिंग इज परफॉर्मिड, नोबिंग रेफर्स टू, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हेड गिल्स इंट्रेल्स, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं नोबिंग। पेनलिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद लार्ज साइज केन, स्लो कूलिंग ऑफ केन मे कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोवाइट, फुल फॉर्म ऑफ द टर्म GSM, ग्राम स्क्वेयर मीटर, GSM, ग्राम स्क्वेयर मीटर। इन इंडिया मैन्युफैक्चर ऑफ द टिन प्लेट स्टार्टेड इन, इंडिया के अंदर कब ये मैन्युफैक्चर हुआ स्टार्ट टिन प्लेट का, ये तब 1920-30 के अंदर। फ्लोइंग टाइप ऑफ द स्टील यूज्ड इन केन मैन्युफैक्चर, फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्टील यूज्ड इन केन मैन्युफैक्चर, एल एम सी एम आर, ऑल ऑफ द इबो। फिनोलिक लिक्विड्स आर मेड बाय द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद, फिनोलिक लिक्विड्स आर मेड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एल्डिहाइड्स। इन ऑर्डर टू रिमूव रॉ फ्लेवर ऑफ फिश फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्मड इन केनिंग, इन ऑर्डर टू रिमूव रॉ फ्लेवर ऑफ फिश फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्मड इन केनिंग, आंसर क्या आएगा, ब्लेंचिंग, क्या आएगा, ब्लेंचिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम यूज्ड इन द थर्मल स्टरलाइजेशन ऑफ कमर्शियल केन्स, वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम यूज्ड इन थर्मल स्टरलाइजेशन ऑफ कमर्शियल केन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, इसका आंसर आएगा स्टीम, क्या आएगा, स्टीम जो है इसका सही आंसर है। फिर जी वाई शेपर्ड प्रेशर वेसल्स इज पार्ट ऑफ, अब जो वाई शेपर्ड वेसल्स हैं ये किसका पार्ट हैं, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है बैच रिटॉर्ट। Loss of heat by radiation from cane is slow. This led to a condition. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है loss of heat by radiation from canes is slow. This leads to stack burning. Stack burning. फ्लेंजिंग मशीन इज यूज्ड इन, फ्लेंजिंग मशीन जो है ये यूज कहाँ पे होती है, ये होती है प्रिपेयरिंग केन बॉडी एंड्स। फंक्शन ऑफ ब्लीडर इज, फंक्शन ऑफ ब्लीडर्स इन रिटॉर्ट इज, इसका आंसर है टू एस्केप स्टीम। पेनलिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद लार्ज साइज केन, फ्लैट सोर स्पॉयलर्स ऑफन ट्रेसड इन विच इक्विपमेंट यूज इन केनिंग, फ्लैट सोर स्पॉयलर्स ऑफन ट्रेसड इन विच इक्विपमेंट यूज इन केनिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा,
ब्लेंचर्स, ब्लेंचर्स। वॉशिंग इज परफॉर्मेड सून आफ्टर, वॉशिंग इज परफॉर्मेड सून आफ्टर। स्टीमिंग, सीमिंग, सीमिंग आएगा। ओके, वॉशिंग ऑफ द केन्स इज परफॉर्मेड यूजिंग, अब क्या यूज करते हैं वॉशिंग ऑफ केन्स? आंसर क्या आएगा? हॉट एल्कलीन डिटर्जेंट्स विद वाटर। द लेवल ऑफ क्लोरीन टू प्रोवाइड क्लोरीनेशन इन कूलिंग वाटर 4 to 5 ppm। सल्फर स्टिंकर स्पॉयलर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सल्फर स्टिंकर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सल्फर स्टिंकर, किसको कहा जाता है सल्फर स्टिंकर? तो ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी नेग्रिफिकेंस, सी नेग्रिफिकेंस को कहा जाता है। सिंगल ट्यूब मेथड ऑफ बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंस वाज डेवलप्ड बाय, सिंगल ट्यूब मेथड ऑफ बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंस वाज डेवलप्ड बाय, क्या आप जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बिग्लो एंड स्टे, बिग्लो एंड स्टे जो है इसका आंसर है। इन विच मेथड स्पेशली डिजाइनड केन वाज यूज्ड टू डिटरमाइन हीट रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर है स्टोम्बो एट ऑल। द टाइम रिक्वायर्ड टू विंट द रिटोर्ट एंड ब्रिंग इट टू द प्रोसेसिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड कम अप टाइम, इज कॉल्ड कम अप टाइम। देखो इसको इंग्लिश में आपको उर्दू में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इजी वर्ड हैं तो मुझे इनको उर्दू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैटी टिश्यूज आर डैश डैश कंडक्टर ऑफ हीट देन लीन टिश्यू, फैटी टिश्यूज आर लेस कंडक्टर ऑफ हीट देन लीन टिश्यू। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्वेश्चन आपको जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। द फूड प्रोडक्ट्स अंडरगोज सोल्यूशन टू जेल विल हैव, क्या आंसर आ गया इसका? रिटार्ड हीट ट्रांसफर, रिटार्ड हीट ट्रांसफर। हाउ मच कम टाइम इज एडेड टू एरियो एट प्रोसेसिंग टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा 42%। मोस्ट सूटेबल मैथड फॉर एग्जॉस्टिंग इन केनिंग इज, मोस्ट सूटेबल मैथड वो है हीट एग्जॉस्टिंग मैथड, कौन सा है? हीट एग्जॉस्टिंग मैथड। फिर है जी, आवर फिलिंग ऑफ द केन विल लीड टू, आवर फिलिंग ऑफ द केन विल लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ केन डूरिंग प्रोसेसिंग, तो केन टेक्नोलॉजी पे मुझे लगता है जो क्वेश्चन भी बनते थे वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। डूरिंग ब्लेंचिंग अबाउट 1-10% मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? कितने परसेंट रिमूव होता है? 30%। एजेड बैक्टीरिया स्पोर विल हैव डैश डैश हीट रेजिस्टेंस कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, तो इसका जो आंसर आएगा हायर, क्या आएगा? हायर। ब्रीदिंग ऑफ केन ओकर डूरिंग डूरिंग कूलिंग, डूरिंग कूलिंग जो है इसका आंसर है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन्स इन द मीडियम विल डैश डैश द हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन्स इन द मीडियम विल इंक्रीज द हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ब्लू डिसकलोरेशन इन कैनेड फूड इज एसोसिएटेड विद, क्या आंसर इसका आएगा? क्रैब मीट। हीट पेनिट्रेशन इनसाइड द केन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल,
Struvite is dash dash like structure forms in canned foods. Struvite क्या है? ग्लास. Prevalence of oily environment will dash dash the heat resistance of bacterial spore. Increase the heat resistance of bacterial spore. Skip is a major problem associated with. Skip is a major problem associated with method of Bilio and Este. अगर आप पढ़ोगे ना कैनेड फिश के ऊपर कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा, कसम से आपको 10-20 दिन लग जाएंगे ना सिर्फ ए टॉपिक पे, ख़त्म होने वाला नहीं है. सिर्फ मेथड से अगर आप पढ़ोगे ना उसमें भी बहुत टाइम लगता है. डैश डैश कैन बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेटेड हीटिंग इफेक्ट रिसीव्ड बाई ऑल पॉइंट्स इन साइड द कैन. तो ये आएगा एफ नॉट वैल्यू. जेड वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम वैल्यू ये है 10 डिग्री सेल्सियस. अकॉर्डिंग टू FSSAI, अब FSSAI का जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि FSSAI के फुल फॉर्म क्या है. डैश डैश परसेंट एरर इन वेट कैन बी कंसिडर्ड 1-2%. यूरोपियन आर्टिकल नंबर कंटेन्स डैश डैश नंबर्स, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, 13th नंबर. स्टीम इंजेक्शन जो है इज़ ए गुड मेथड फॉर एग्जॉस्टिंग लिक्विड फूड्स, ठीक है, इसमें स्टीम इंजेक्शन. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा.